शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। विश्वास था कुछ नहीं हो सकता अंजलि को, अंजलि तुमने करवा चौथ में चांद को देखकर मेरी लंबी आयु के लिए प्रार्थना की थी ना, लेकिन आज मैं उगते सूरज को प्रणाम करके तुम्हारी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करता हूं। हमें खुशी है कि अंजलि की जान बच गई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पहली बार हमारी ज्योतिष विद्या, हमारी गणना गलत साबित कैसे हुई। अंजलि, अब सबसे पहले मैं तुम्हारा व्रत तोड़वाऊंगा। सबने एक दिन का व्रत रखा, लेकिन तुमने 10 दिन का व्रत रखा, वो भी निर्जला। बस तुम ही कर सकती हो। मैंने भी तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। लेकिन शायद तुम्हें इसका एहसास भी नहीं। लेकिन तुम्हें व्रत रखने की क्या जरूरत थी रिचा? तुमने करवा चौथ का व्रत तुम्हारे लिए यश, ये तो गलत बात है। आप पहले रिचा का व्रत तोड़वाइए। अलका, क्या हुआ ताई जी? अंजलि मर गई? अंजलि के गोपाल जी ने तेरी सारी छांव पर पानी फेर दिया। अंजलि बच गई।
जाइए आप लोग, अब आप लोगों की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं। बेकार में साड़ी की स्त्री खराब की, अब सबके घर लौटने से पहले बदलनी पड़ेगी। पापा, छोटी दादी, हम अंजलि को घर ले जा सकते हैं। अंजलि बच गई, उसके गोपाल ने उसे दूसरी जिंदगी दी है। चलिए उसे घर लेकर चलते हैं, वे सब साथ में मिलकर खुशियां मनाएंगे। वैसे अंजलि अस्पताल से कहां जाएगी, मतलब गर्भवन या अग्रवाल सदन? यार जी, झूठ ना बुलवाएं। वैसे यश और अंजलि की शादी के 90 दिन तो पूरे हो चुके हैं, इसीलिए कायदे से तो अब उसे अपने मायके चले जाना चाहिए ना। हाँ, बात तो सही है, जो कायदे से रहेगा वही फायदे मिलेगा। अंजलि कहीं और नहीं, हमारे साथ हमारे घर जाएगी। अंजलि की इच्छा है कि वो दीपावली मनाए, इसलिए वो हम सबके साथ दीपावली का त्योहार मनाएगी। उमा, बेटा अपनी बहू के गृह प्रवेश की तैयारी शुरू कर। बेटा, अंजलि को घर ले जाने के लिए तैयार कर। दर्शन करते हुए चलते हैं। चलो। बंधन से बंधे अंजलि की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।